दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉनिक्स पंचिंग बैग और ओरियन पंचिंग बैग को हम कंपेयर करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो मैं आपको उससे पहले इसके सब फीचर्स बता देता हूँ ये जॉनिक्स वाले के, तो ये जॉनिक्स वाला मैंने अमेजोन से लिया था 1500 रुपीज़ में, और मुझे इसके साथ सिर्फ चेन मिली थी और इसकी हाइट है 3 फीट जो कि है 36 इंचेस और मतलब 3 फीट। और ये जो लिया था मैंने इसके साथ मुझे ये चेन भी मिली और ये हैंड रैप्स मुझे इसके साथ एक्स्ट्रा मिले, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था सीफोसी 442 रुपीज़ में, और इसकी हाइट है 4 फीट यानी कि 48 इंचेस यानी कि 4 फीट। और अगर हम बात करें वेट की, अगर हम इस पंचिंग बैग का वेट करें तो लगभग 1.5 किलो के आसपास आ जाता है, और अगर हम इसका वेट करें ओरियन वाले पंचिंग बैग का तो उसके आधे आ जाता है, वो 650-650 ग्राम के लगभग आ जाता है ये ओरियन वाला। ये ओरियन वाले का जो क्लोथ है वो थोड़ा पतला है, जबकि अगर हम जॉनिक्स की बात करें तो वो काफ़ी आपको यहाँ पे थिक मिलने वाला है, वो जो जॉनिक्स वाला है वो काफ़ी थिक मिलने वाला है। और पर अगर आप प्राइस देखें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है, मतलब ये 1500 रुपीज़ के अराउंड आ जाता है, और ये 442 रुपीज़ के है, उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है आपको। ये भी ऐसा नहीं है कि लगेज ये ख़राब हो जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और अगर आप बिगिनर है तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसकी जो होल्डर कैप होल्डर से ये भी दोनों के सेम ही है लगभग, पूरी स्टिचिंग जो बहुत अच्छी स्टिचिंग है दोनों की, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसका थोड़ा पतला क्लोथ मिलता है और इसका थोड़ा थिक मिलता है आपको, और बाकी जो चेन आपको मिलती है वो दोनों की सेम ही है। और अगर आप प्रो बॉक्सिंग में हैं या फिर अगर आप उतने पैसे खर्च करना चाहते हैं तो एक बार में आप ये अच्छा वाला जॉनिक्स का ले सकते हैं, और अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बहुत सही प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है। अब आप सोचिए कौन सा आपको लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।